hello everyone welcome back to my channel your learning space i hope you all are doing good through this video i want to beware you all of the locust swarms that have entered in india and are now spreading in different parts of the country you all must have seen such videos going round the internet let us first know what are locusts सो लोकस्ट ग्रास ओपर्स की एक स्पेशज है जो अपने स्वामिंग फेज में होती है जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो इनकी पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाती है और ये ग्रुप्स बना लेते हैं ये ग्रुप्स दूर तक ट्रेवल करते हैं एंड ये काफ़ी डेंजरस भी होते हैं क्योंकि ये क्रॉप को डैमेज करते हैं ऑल्सो जिस भी जगह पर जाकर ये सेटल करते हैं वहाँ की सारी ग्रीन वेजिटेशन को कंज्यूम कर लेते हैं लोकस्ट अटैक्स आर नॉट न्यू

बट इस बार फेवरेबल वेदर कंडीशन की वजह से ये लोकल्स राजस्थान से गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और इवन महाराष्ट्र तक ट्रेवल कर पा रहे हैं इन स्टेट से काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं क्रॉप डैमेज की और फार्मर कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें भगाया जा सके बाय स्प्रेइंग केमिकल्स एंड मेकिंग लाउड नॉइजेस Although the state and central machineries along with locust warning organization are trying to get rid of them but their efforts may not be enough. According to IFS Praveen Kaswan this time desert locust attack is severe. The changing climate conditions are linked with locust growth in East Africa. He also said the situation remains extremely serious in Horn of Africa where new generation of swarms is laying eggs. He also shared few pics of Panna Tiger Reserve वाई शूड यू केयर लोकस वॉर्म्स फूड ग्रेन्स को डैमेज कर रहे हैं वो फूड ग्रेन्स जो फार्मर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ग्रो करता है अगर लोकस अटैक ऐसे ही चलता रहा तो ये इंसेक्ट्स लैक्स ऑफ टन ऑफ फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को खत्म कर देगा जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी थी ऑल्सो इसकी वजह से इंडिया में एक फ्रेश इकोनॉमिक ट्रबल भी आ सकता है ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन की वजह से इंडियन इकनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है एंड जब हम सोच रहे थे कि वैक्सीन के आने से चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो इस क्राइसिस की वजह से चीजें और खराब हो सकती हैं एज ऑफ नाउ लोकस मूवमेंट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ है ऑल्सो विंड डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डेली फॉर द टाइम बींग इज सेफ बट नए स्वॉम्स अभी भी इमर्ज हो रहे हैं तो खतरा अभी भी बना है So stay safe, stay strong, this too shall pass.